हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और 29 फरवरी को विज्ञान का सेम यही पेपर आएगा, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो 29 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यह है क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम का एक वायरल पेपर। अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो 29 फरवरी का जो आप लोगों का पेपर है साइंस का, देखो साइंस के पेपर में आपका गैप नहीं है। ठीक है, 27 को आपका मैथ का पेपर है, फिर 29 को साइंस का है, तो थोड़ा सा आप लोग पहले ही साइंस में मेहनत कर लो। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर लाया हूं साइंस का। ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। साइंस में आपके कुल 11 प्रश्न हैं, 11 प्रश्न को हल करोगे, 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो टेंशन किस बात की है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, साइंस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पेपर के दिन, ठीक है, अगर आप आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करो कि आप पेपर से पहले ये वीडियो देख लो, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो पेपर के दिन भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, क्या आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर क्या आएगा पेपर में, ये वीडियो लास्ट तक देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे लिखना है सब बताऊंगा, ठीक है, कैसे तैयार करें ये भी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पहले आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये साइंस का वायरल पेपर है क्लास 10 का। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 70 नंबर का आपका पूरा पेपर है, और पूरा पेपर ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। पहला प्रश्न यानी कि कुछ सामान्य निर्देश पहले समझ लो। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा, प्रश्न पत्र दो है, खंड आ और बा में विभाजित है। तीसरा है खंड आ और बा, ठीक है, वो तीन उपखंड का खा गा में विभाजित है। ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ निर्देश समझ लो। और प्रथम प्रश्न के आ वाला बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में आपको काले या नीले वाल पॉइंट पेंसिल को पूर्ण तरह से भर देना है। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एक एक नंबर का होगा, खंड बा आपका लिखना होगा कॉपी में, एक कॉपी दी जाएगी, वर्णात्मक प्रश्न जिसको आपको कॉपी में लिखना रहता है। एंड सातवां है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं। एंड आठवां है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रत्येक आपको उपखंड नए प्रश्न से शुरुआत करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, ये कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमारा खंड आ शुरुआत होगा। खंड आ में हमारा तीन उपखंड है, खंड आ में हमारा उपखंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20 नंबर का, और 20 में 20 नंबर हमें लाना है भाई, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। साइंस में टॉपर बनना है, 29 फरवरी को पेपर देने जाना है और धुआं धुआं उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, पहला प्रश्न, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो क्या कहलाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक नंबर में भाई, दोनों पृष्ठ गोली हो और पारदर्शी हो, अगर आर पार दिखाई देता है तो दर्पण को तो साड़े भैया उड़ा दो। अब त्रिज्या तो होगा नहीं, तो हमारा लेंस ही होगा, वो भी गोलीय लेंस, क्योंकि वो क्या है, दोनों पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो वो हमारा गोलीय लेंस होगा। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप क्या है ना, सभी को हटा दो, क्योंकि भाई हमें एक ना एक का प्रयोग करना पड़े, समतल को हटा दो, समतल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है उत्तल और अवतल। उत्तल में हमारा छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा दांत जो होता है बहुत छोटा सा होता है, और अगर आपको छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाना है, इसमें हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, बड़ा, तो इसलिए हमारा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण में हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अगला, किसी उत्तल लेंस के 2F और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक उल्टा और छोटा, या वास्तविक उल्टा और बड़ा, या आभासी उल्टा और बड़ा, या फिर हमारा आभासी सीधा और बड़ा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हमने एक लिया लेंस, ठीक है, ये हमने लिया लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, समझना, कुछ है नहीं। फिर हमें रखना कहाँ है, अनंत पर, और ये हमारा अनंत पे वस्तु है समझ लो। ठीक है, और यहां हमारा 2F1 है,
और यहाँ एफ वन है, और यहाँ हमारा देखो ये हमारा अनंत और एफ टू के बीच में है ना, टू एफ वन के, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ हमारा मान लो एफ टू है यानी कि फोकस, तो ये हमारा फोकस से निकल जाएगा, और एक हमारा यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा समझ लो टू एफ टू है, तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बना। देखो ध्यान से, ये हमारा अगर ए वी है तो ये हमारा वास्तविक है वी डैश ए और उल्टा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें कौन सा अप्लाई होता है, एक तो हमारा आभासी वाला सारे कूड़ा तो हमारा वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, लेकिन हमारा देखो वास्तविक है उल्टा भी है, बड़ा तो है नहीं, ये बड़ा है वस्तु, ये छोटा है देखो, तो इसलिए छोटा वाला सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सारा क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर आपने समझ लिया तो साइंस का टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस से फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों को वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। भाई समायोजित करके क्या है, समायोजित करने का मतलब ये नहीं है, दोष नहीं है भाई, समायोजित करने का मतलब, समायोजित करने का मतलब समंजन क्षमता, ठीक है, नेत्र की जितनी ज्यादा समंजन क्षमता होगा उतना ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, लिखा है कॉलम ए को कॉलम बी से एसआई मात्रक को द्वारा मिलाइए। बहुत आसान है, ये तो छोटे छोटे बच्चे को पता होगा। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, देखो वोल्ट होता है ना, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम सॉरी, शक्ति का मात्रक वाट, ये हमारा ओम है, ठीक है, ये तो वाट है ना। तो अब देखो पहला हमारा चौथे से है, पहला चौथे से है, ठीक है, दूसरा हमारा किससे, पहले से, धारा का एम्पियर हो जाएगा, दूसरा हमारा पहले से, तीसरा हमारा किससे है, तीसरा हमारा दूसरे से है, और हमारा यहां चौथा तीसरे से है। डी वाला ऑप्शन सही है, कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही है, पहला हमारा चौथे से है, दूसरा पहले से है, ठीक है, तीसरा दूसरे से, सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। देख लो भाई ये प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, तो हमारा ये वाला हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, कुछ है नहीं, बट पेपर में जब आएगा ना तो आसान नहीं लगेगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाइयां तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पास हो यानी कि समांतर क्रम में पाए जाएं या समायोजित किए जाएं, श्रेणी क्रम तथा शास्त्र क्रम का आपको ऊष्मीय या ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि हमें हीट ज्ञात करना है, एच वन अपान एच टू, हमें हीट ज्ञात करना है ना, तो वो जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा क्या, एक बटे चार, यानी कि हमारा एक रेशियो चार हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक ही क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसमें शून्य होता है या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरों की जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान ही होता है, ठीक है। वेंजीन का संज्ञानात्मक सूत्र है, वेंजीन का संज्ञानात्मक जो सूत्र होता है वो होता है सी रचनात्मक सूत्र है, C6H6, ये हो गया सूत्र। अब इसका आपको रचना बताना है, तो देखो वेंजीन बनता कैसे है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, देखो सी एक हो गया, दो सी, तीन सी, ठीक है, चार हो गया, पांच हमारा छह सी है ना, ये छह, और एच भी हमारा छह ही है, तो यहां इसके बगल बगल एच जोड़ दो, सारे के कार्बन में एच एच जोड़ दो, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अभी हमारे सारे के तीन तीन ही बंद पूरे हुए हैं, तो एकांतर क्रम में आप दो दो बंद लगा दो, बस यही है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सी वाला सही है, देखो इसमें हमारा एच एच, हाँ यही है, यही सेम है, सी वाला ही सही है ना, सी वाला सही है, सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर एट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, समजातीय का मतलब जिसके जाति समान हो, तो सबसे पहले हमारा CH4 एंड C2H6, तो ये हमारा एल्केन समूह है, दोनों एल्केन है, ठीक है, ये हमारा OH है, CHO ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, क्योंकि OH दोनों ग्रुप, पहला और चौथा हमारा सही है, पहला और चौथा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10,
पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक कहते हैं, जो पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो हमारा तत्व या यौगिक क्या होता है, खनिज होता है। क्या होता है? खनिज। बहुत आसान है, आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब दांत का क्षय कब प्रारंभ होगा? जब इससे अधिक होगा या कम होगा या साथ होगा या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जब इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है यानी कि कम हो जाती है, यानी कि इसमें जो मुंह का जो पीएच वैल्यू है 5.5 से कम होने पर, ठीक है, 5.5 से कम होने पर यानी कि अम्लीय होता जाता है, ठीक है, कम होगा तो अम्लीय उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन फर्स्ट जो है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। कहने का मतलब है जब ZN जो है वो किससे अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तो हमारा क्या देता है, ZnSO4+H2, ठीक है, +H2। तो ये तो सही है बिल्कुल भाई, ठीक है, ये सही है। तो एक विस्थापन अभिक्रिया, हाँ विस्थापन है। दूसरा इसमें एक और दिया है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जिंक जो है ZN जो है वो प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ कहने का मतलब कि दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है, तथा तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये सही है। या फिर जो हमारा कथन फर्स्ट है तथा दोनों सही है, परंतु जो तर्क है विकथन स्पष्टीकरण नहीं है, जो इसका तर्क है तर्क वो स्पष्टीकरण नहीं है, तो क्या होगा दोनों में से, यही सही हो जाएगा बी वाला, कि जो हमारा इसका स्पष्टीकरण है वो गलत है, ठीक है, सही नहीं है, स्पष्टीकरण यानी कि तर्क। अगला, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, ये तो ऑलरेडी पूरा है, देखो गलती से छप गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमारा लिखना होगा, तो वो ऑलरेडी पूरा है, ठीक है, तो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पूरा करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, उपखंड गा है, अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह मार्ग है, वायु का प्रवाह मार्ग क्या होता है? तो इसमें जो होता है डी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना कि जो हमारा नासा दौर होता है, नासा दौर से ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ में, फिर श्वास नलिका में, फिर कोपिकाओं में, ये डी वाला सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए, जैसे पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और कारण है मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है सही स्पष्ट, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण देता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक्स जो है नर मादा में ट्रांसफर करेगा तो एक्स एक्स लड़की होगी, अगर वाई करेगा तो एक्स वाई लड़का होगा, ठीक है, सब मादा यानी कि सॉरी नर यानी कि लड़के का ही कमाल होता है, ठीक है, चाहे लड़की हो या लड़का। अगला, विद्युत आवेग का प्रवाह सही दिशा है, विद्युत आवेग की प्रवाह का सही दिशा, देखो सबसे पहले ये तो होगा नहीं, इसका जो ये सी वाला देखो ध्यान से, ये सही है क्योंकि यहां जो ऊपर वाला है इसके नीचे से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है, लेकिन ये सही है, हाँ सी वाला सही है। अगला 17 नंबर, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर का थायरॉक्सिन, भाई देखो सबसे पहले थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, या फिर यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसाओं का उपचयन नियमन करता है, भाई ये सही नहीं है, मतलब नहीं वाला बताना, तो ये है कि थायरॉक्सिन जो है के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक नहीं, भाई लौह आवश्यक नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ है चित्र में ए बी सी किस क्रम में, ए देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं, ए क्या है, ए ऊपर, ये क्या है प्रांकुर, और ये क्या है, ये तो बीज का पात्र है ना, तो बीज पत्र हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है मूल, मूल का होता है मूलांकुर, तो ये देखो सही क्रम है प्रांकुर बीजपत्र मूलांकुर, सी वाला ऑप्शन सही है, देखो इसमें क्रम से लिखा है ना प्रांकुर बीजपत्र मूलांकुर, भाई सही क्रम बताना है, ठीक है, वैसे तो तीनों सब में है। अगला,
जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। एक नंबर का देखो, सबसे पहले तो अलैंगिक जनन बता, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अगर एक ही जनक है इसीलिए बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये भी सही है, युग्मक नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है या फिर अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये हमारा दोनों फर्स्ट सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड हमारा सही है, फर्स्ट सेकंड राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर को मांसाहारी, भाई तीसरे पोषी स्तर को मांसाहारी कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में 20 मैंने आपको करा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये वायरल पेपर है भैया, 29 फरवरी को जाओ पेपर में छाप कराओ ये पेपर, आप लोग पूरा समझ के जाना। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारे आते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जो आपको कॉपी में लिखना है, ध्यान से समझना और आप लोग नोट बना लेना। ठीक है, अब वर्णात्मक प्रश्न खंड बा जो है वो वर्णात्मक प्रश्न 50 अंक का रहेगा, 50 नंबर का। ठीक है, तो आ जाओ वर्णात्मक प्रश्न में, हम उपखंड का देखते हैं पहले। देखो ध्यान से, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, 4 नंबर देकर जाएगा भाई। दृष्टि दोष सभी को पता है, आंख में कोई ना कोई जब हमारा दोष होता है, जब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दृष्टि दोष होता है। ठीक है, या फिर अगर देखो दोनों में से कोई, देखो दोनों करना है, दो नंबर देगा, अब इसको करोगे तो दो नंबर। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं, 4 नंबर अगर लेना है ना तो एक तो दो नंबर इसको करने पर मिलेगा, इसको दो नंबर, यानी कि 4 नंबर अगर लेना है, 4 में 4 तो 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है, ये भी 2 नंबर, क्योंकि ये जो है सारी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर दी, और अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग 2 नंबर, 4 नंबर मिलेगा अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिखोगे। पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और दूसरा आपको बताना है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अगर आपने ये 4 क्वेश्चन करे तो आपको 4 नंबर, 8 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर बहुत आसान है, छोटे छोटे ये क्वेश्चन है यार, 2-2 लाइन का, बहुत आसान है, लेकिन समझना इसका, तैयार कर लेना क्वेश्चन का आंसर। किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड जो है 100 ऊष्मा जूल उत्पन्न प्रतिरोध के स्वरूप पर विभवांतर ज्ञात करो, 2 नंबर आपको मिलेगा। दूसरा, 20 ओम प्रतिरोध के कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 सेकंड में उत्पन्न प्रकलित, 4 नंबर, 2-2 नंबर आपको इस पर भी मिलेगा। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का है, लेकिन इसमें एक चीज है भाई, अगर नहीं आता तो दूसरा कर सकते हो। पहला, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को परस्पर क्यों नहीं काटती, इसको करोगे 2 नंबर। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, 2 नंबर। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित अधिकतम बल, 2 नंबर। तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन पर, नहीं आता इसको करो। फ्यूज तार विद्युत संधारित्र को का बचाव किस प्रकार करते हैं, धारावाही प्रणालिका का उपयोग किन किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचिए, 6 नंबर। तो इस पर आपको मिलेंगे 2 नंबर, ध्यान रखना इस पर आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा उपखंड का फिजिक्स, फिजिक्स में इतना ही क्वेश्चन आएगा भाई, 2-2 नंबर का आप करते जाओ, नंबर बटोरते जाओ। उपखंड खा केमिस्ट्री देखो, पूरा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखो। पांचवा, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, एक एक को संतुलित करोगे एक एक नंबर मिलेगा। पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दाणेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। दूसरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया। तीसरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चौथा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये 4 नंबर आपको मिलेगा, 4 क्वेश्चन का 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर। छठवां क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर, 2 क्वेश्चन का 4 नंबर। देखो, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, सभी को पता है। निष्कर्ष प्रक्रम में जो है, निष्कर्षण का प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर फ्रेंड 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई दोनों करना है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या पूछ रहा है कि भैया सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखो, इस पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर आपको आईपीसी नेम लिखोगे, 2 नंबर मिलेगा। सीएचओ है, ये तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनल, अल जुड़ेगा, इसका हो जाएगा 1-2-3। 3 को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेन में ओन जोड़ो, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, कठोर जल को साबुन को
उपचयित करने के लिए निर्माण झाग। देखो सबसे पहले मैं आपको आईयूपीएससी का एक वीडियो आने वाला है, तैयार हो चुका है आईयूपीएससी नाम का वीडियो, ठीक है। और वो आईयूपीएससी नेम का वीडियो अगर आपने देख लिया भाई, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आने वाला है जल्दी, एक या दो दिन में, ठीक है। देखो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, आईयूपीएससी नेम की वीडियो एक आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे आईयूपीएससी नेम, तो बस टेंशन मत लो, आने वाला है एक दिन में। और हाँ, अगर आपको मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है 7-6 नंबर वाला, तो और भी ऑप्शन है। देखो यहाँ वो नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, अथवा लगा हुआ है ये और आसान है। निम्नलिखित पट्टी पढ़ी लिखी 6 नंबर, विकिरणधारिता, रेडॉक्स अभिक्रिया एंड एस्टरीकरण, भाई इसको तो कर ही सकते हो, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब उपखंड गा स्टार्ट होता है, उपखंड गा का मतलब है बायोलॉजी, बायोलॉजी अब हमारा स्टार्ट होता है। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमारा जैव निम्नीकरण ये होता है और अजैव निम्नीकरण ये, या फिर गैर जैव निम्नीकरण ये के बीच क्या डिफरेंस है वो बताना, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक नंबर, 4 नंबर लेना, 4 अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें बताना है, ए बी सी डी नाम बताना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो बहुत आसान है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देखो, हिंदी की तरह आ गया, 6 नंबर मिलेगा, सॉरी 4 नंबर। इसकी व्याख्या इस तथ्य पे निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं, इनकी संख्या 22 जोड़ी, परंतु एक युग्म लिंग गुणसूत्र होता है जो सदा अपूर्ण या फिर पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है और यह एक्स कहलाते हैं, लेकिन नर में यह जोड़ा जो है पूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र अन्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र वाई गुणसूत्र होता है। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र। क्या अब हम कह एक्स और वाई वंशांग पैटर्न बता सकते हैं? पहला, लिंग निर्धारण वंशांग कैसे हो सकता है? दूसरा, मानव में बच्चा का लिंग निर्धारण। बहुत आसान, लिंग निर्धारण नहीं आता तो कुछ नहीं आता आपको, लिंग निर्धारण बहुत आसान है। 11 नंबर, अब 6 नंबर आपको मिलेगा, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, निम्नलिखित भागों का वर्णन कीजिए, जो हमारा पाचन तंत्र है, अथवा आप ये करो इस तरीके असर का संक्षिप्त वर्णन बनाइए, और इसको आपको 6 नंबर, दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस का वायरल पेपर, ठीक है, जो आप लोगों का 29 फरवरी को साइंस का पेपर आने वाला है। ध्यान से आप लोगों ने सारा क्वेश्चन समझ लिया, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने समझा दिया, ये भी क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब आप लोग कमेंट करना आपको 70 में से कितना नंबर आता था, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आज का, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन समझाए हैं जो 29 फरवरी को आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। ये एक वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं जल्दी से समझ लो, ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर इतना ज्यादा करो ताकि सारे स्टूडेंट को मदद मिले, और 29 फरवरी को पेपर में आग लगा दें, ठीक है, धुआं धुआं उड़ा दें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।